नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है पिपली कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जहां पर हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का मेन गेट कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। आपको बता दें कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर यहां पर कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। यह कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, ये हम अंदर चलकर जानेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पर पार्किंग सेवादार मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए हुए लोगों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्किंग सेवादार हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार। सर यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था किस तरीके से बनाई हुई है? यहाँ पर पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बाइकों की अलग व्यवस्था है और कारों की अलग व्यवस्था है। उसके लिए यहाँ पर क्या चार्जेस हैं, क्या चार्ज लिए जाते हैं? कोई चार्ज नहीं लगता, परमात्मा पूरी व्यवस्था की गई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जी, तो दर्शकों जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम सतलोक आश्रम पिपली कुरुक्षेत्र के मेन गेट पर आ चुके हैं, जहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस का यहाँ पर बैनर लगा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी की आपको काफ़ी सारी यहाँ पर तस्वीरें स्वरूप दिख जाएंगे। सर जी नमस्कार। साहेब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन दास है जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस क्या है और ये क्यों मनाया जा रहा है? ये कबीर निर्वाण दिवस इसलिए मनाया जा रहा है, अभी आने वाली 1 तारीख के दिन कबीर साहब मगर से सह शरीर गए थे, और जब वो आए थे बनारस के अंदर सह शरीर लहर तारा तालाब के अंदर आए थे, और सह शरीर ही यहाँ से मगर के अंदर गए थे और पूरी दुनिया ने देखा था, वहाँ उनका स्थान भी बना हुआ है। सत्ता है जी, हमने सुना है कि कबीर साहब यहाँ से जब सह शरीर गए थे तो उनके बाद उनका शरीर नहीं मिला था, इसके पीछे का क्या इतिहास है? इसके पीछे का इतिहास है कि वहाँ पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। हिंदू तो कहते थे कि हम जलाएंगे, और मुसलमान कहते थे हम इनको दफनाएंगे, तो वो सारे अपने लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। कबीर साहब ने फिर बोला भी बच्चों मैं जा रहा हूँ, और एक चादर बिछाओ तुम, उसके नीचे मैं लेटूंगा, और उसके नीचे जो भी चीज़ मिलेगी उसको तुम आधा आधा ले लेना। जब कबीर साहब जी सह शरीर वहाँ से चले गए और ऊपर जाके आवाज़ करी भी बच्चों चादर के नीचे देखो क्या है, और तुम उसको आधा आधा ले लेना, लड़ना नहीं कभी भी। उस समय उस चादर को उठाया, उसमें के नीचे फूल मिले थे, और वो फूल आधे आधे हिंदुओं ने ले लिए थे, आधे मुसलमानों ले लिए थे, और आपस में सब गले मिल के रोए थे कि परमात्मा को हम पहचान नहीं पाए, इतने साल हमारे साथ रहे और ये पूर्ण परमात्मा थे। जब वो सहसरी गए तब उनको पता चला था, और उसके बाद वो स्थान बनाया गया जिसमें मुसलमानों की मस्जिद है और हिंदुओं का मंदिर है, और बीच में रास्ता है, और कभी वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब मिल के रहते हैं और वहाँ भंडारा वगैरह ऐसे करते रहते हैं। साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे साथ पुस्तकालय के एक सेवादार हैं, ये इनसे चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार। साहेब जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश दास है जी। आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पुस्तकालय में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं? हम यहाँ पर पुस्तकालय में सेवा करते हैं सुबह से शाम समागम के दौरान, और यहाँ पर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, और उनके यह स्वरूप यहाँ पर मौजूद हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठ कर निःशुल्क भी मंगा सकते हैं, जिनमें सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिया गया है और पूरा मोक्ष का मार्ग उनके अंदर विद्यमान है। तो ये पुस्तकें निःशुल्क मंगवाने के लिए क्या करना होगा? ये पुस्तकें निःशुल्क मंगवाने के लिए आपको सतलोक आश्रम के द्वारा दिए गए जो नंबर हैं उन पे कॉन्टैक्ट करके SMS के द्वारा हम ये निःशुल्क मंगा सकते हैं पुस्तकें घर पर। भंडार घर में उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के महिला श्रद्धालु सेवादार मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर पूरियाँ बेलने की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या के अंदर यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर पूरियाँ बेलने की सेवा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी के श्रद्धालु जो हैं वो सेवा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दर्शकों, भंडार घर में आप यहाँ पर देख सकते हैं हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर बूंदी प्रसाद बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवादार जो है अपनी सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर आज भंडारे का पहला दिन है, तो यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर बूंदी प्रसाद है वो बनाया जा रहा है। हलवाई यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरियाँ भी बनाई जा रही हैं। यहाँ पर गर्मा गर्म पूरियाँ बना के आए हुए लोगों को परोसी जा रही हैं।
हम भंडार घर में उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर भंडारा बनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सेवादार जो है अपनी सेवा कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर सब्जियाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक सेवादार हैं, ये इनसे चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सुनील दास जी। सर यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? ये सब्जी राम बनाया जा रहा है जी। और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ सारा कुछ का व्यवस्था है जी। सब्जी राम है, इधर बन रहा है, उधर चावल राम बन रहा है, इधर हलवा बन रहा है, उधर बूंदी राम बन रहा है, उधर रोटी राम, पूरी राम, सारा व्यवस्था कर रखे हैं जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सत साहब जी। तो दर्शकों, हम भंडार घर में उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर भंडारा वितरित किया जा रहा है और आए हुए लोग यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इस तरफ पुरुषों के लिए और उसके दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भंडारे की सुविधा की गई है, जिसके अंदर संत रामपाल जी के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और आए हुए लोगों को भंडारा वितरण कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार मौजूद हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार। सर साहेब जी। सर क्या नाम है आप? अंकित दास। सर आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं? सर मैं यहाँ भंडारा वितरण की सेवा कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर सब्जी राम की बाल्टी है, तो यहाँ पर कोई भगत चावल राम की बाल्टी ले रहा है, कोई सलाद राम की सेवा कर रहा है और हमारी यहाँ पर सेवा बहुत अच्छी चली हुई है। यहाँ पर चाहे भगत समाज भंडारा कर रहा हो, चाहे जगत है, कोई भी आए, तो हमारी सेवा यहाँ पर सबसे अच्छी चल रही है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि हम प्रणाम स्थल पर आ चुके हैं। इस तरफ हमारे दरबार साहिब है जहाँ पर प्रणाम स्थल है, जहाँ पर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रणाम स्थल बनाया गया है। और वहीं आप देखेंगे कि ये प्रणाम स्थल या फिर जिसे दरबार साहिब कहते हैं वो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, वो कितने अच्छे से यहाँ पर जो है अपनी सेवा करते हैं आप देख सकते हैं। और वहीं आप इस तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए पाठ करने की यहाँ पर व्यवस्था बनाई हुई है, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पाठ सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी के श्रद्धालु काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं जो कि चवर सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो हैं सेवा भाव के अंदर सबसे आगे निकल कर आते हैं। और वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए पाठ करने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर महिला श्रद्धालु भी लाइनों में लगकर यहाँ पर चवर सेवा का लाभ उठा रहे हैं। कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस उपलक्ष में जो विशाल भंडारा चला हुआ है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, उसमें हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री पीव सेन मेहता जी, और आइए जानते हैं इनके विचार जो कि सतलोक आश्रम में आए हुए हैं। सर आप सतलोक आश्रम में आए हुए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा माहौल नज़र आया? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा, और जहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा आश्रम में आने पर। वैसे भी हम इनकी वाणी को सुनते रहते हैं, टीवी पे देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ आश्रम में मैं पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। सर जो एक समाज सुधार का काम संत रामपाल जी कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, और कल भी यहाँ दहेज मुक्त रमणी होगी जो संत भाषा में रमणी बोलते हैं ये लोग, और एक विवाह होगा, पहले भी कराते रहे हैं यहाँ पर, तो सर उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक दहेज का दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं संत रामपाल जी अपने शिष्यों को। दहेज तो वैसे भी हमारे समाज में कलंकित रहे हैं, ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, मेरा अपना तो विचार यही है। और जो महापुरुष ने जो कार्यक्रम शुरू किया है बहुत ही सराहनीय है, इससे समाज के अंदर जो ये बुराई है वो बुराई दूर होगी। सर एक तरीके से नशा मुक्ति अभियान बहुत जगह चलाया जाता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी के आश्रम में देखा गया कि कोई नशा करता हुआ नज़र नहीं आया। और यहाँ तो छोड़िए, घर में भी ये लोग कुछ नहीं करते हैं, बीड़ी जलाने के लिए माचिस भी अपने रिश्तेदारी सगे संबंधी भाई बंधुओं को नहीं देते हैं। एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी, इस विषय में थोड़ा बहुत क्या कहना चाहेंगे सर आप? नशा तो वैसे ही आत्मा और शरीर दोनों का नाश करता है। एक बहुत अच्छे विचार आए हैं कि हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का नशा नहीं है। नशा छोड़ो, यहाँ पर तो मैंने किसी के जेब में माचिस या बीड़ी भी नहीं देखी, लोगों के साथ मिले भी हैं, देखा भी है, बहुत ही अच्छा एक लगा यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।